नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 40 है तो वह राशि कितनी है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, अब उसने कहा कि 4 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज अगर हम घटा दें तो कितना निकलता है, 40। इससे क्या पता हमें चला कि जो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 40 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 40 है। रेट क्या है, रेट है 5% और टाइम, क्योंकि 1 वर्ष का यह है तो टाइम क्या रहेगा, 1 वर्ष। अब आप इससे पी निकाल दीजिए क्योंकि हमें राशि चाहिए। तो एस आई गुणा 100 भागे आर गुणा टी। एस आई कितना है, 40 गुणा 100 भागे आर है 5, समय है 1, 5 × 8 = 40 और 8 का 100 में होगा तो 800। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी निकल के आई, P की वैल्यू सीधे सीधे 800 निकल के आ गई। ठीक है, कुछ भी नहीं था, उसने जो अंतर दिया वह 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 40 रुपए, समय कितना है 1 वर्ष, रेट है 5%, निकाल दिया मूलधन निकाल दिया। इसको हम 100 मान के भी लगा सकते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया हमारा मूलधन है। 1 वर्ष का अंतर यानी एस आई कितना है, 1 साल का 40 और ब्याज की रेट क्या है, 5%। तो 1 साल में 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, यहां से हम देखें तो 100 रुपए पर 5 रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसको कितना मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो दिया जाता है, 40 क्या दिया है हमें, 1 साल का इंटरेस्ट और हमारा कितना निकल के आया, 5 रुपया। जो दिया जाता है उसका हम भाग लगा देते हैं और जो हमसे पूछा जाता है उसका गुणा कर देते। पूछा क्या है, राशि कितनी है, राशि कितनी मानी थी हमने, 100, 5 × 8 = 40, 100 × 8 करेंगे तो 800। ठीक है, तो यह विधि आप काफी सवालों में लगा सकते हैं कि जो दिया गया उसका भाग, जो पूछा है उसका गुणा, लगा दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपकी ये मेथड तो है ही। तो जो भी आपको मेथड अच्छी लगे आप उस मेथड से इस सवालों को हल कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।